यानी दोस्ती बराबर है, आज भी बराबर है, मगर विचारधारा से कोई समझौता नहीं है। वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। अगर जीना है तो बांटना सीखें, शेयर करना सीखें। बचपन में मेरे बड़े सारे मित्र रहे हैं, क्योंकि बचपन मेरा बाजार में दुकान में रहा है, बीता है, और हमारा सब्जी के आना जाना रहा है। ना हम कास्ट का देखते थे और ना ही सामने वाला जो व्यक्ति होता था वो कास्ट को या हमारी विचारधारा को देखता था। समय बढ़ता गया, बड़े हुए, दोस्ती बरकरार है, मगर उन लोगों की जो विचारधारा थी वो अपनी विचारधारा के साथ गए और मैं अपनी विचारधारा के साथ आया, जो मेरी महापुरुषों की विचारधारा है। यानी दोस्ती बराबर है, आज भी बराबर है, मगर विचारधारा से कोई समझौता नहीं है। वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं भी अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए पूरा कोशिश करता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। मगर वो प्लस पॉइंट में है, वो ज्यादा है, क्योंकि उन्हें विरासत में एजुकेशन मिली है। उनके बाप दादा सब साइंस के टीचर प्रोफेसर रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छा खाना रहा है, बहुत अच्छे उनके बिजनेस रहे हैं, उनके पास फैक्ट्रियां हैं, कोठियां हैं, उनके पास पढ़ने के लिए सुविधाएं हैं, हॉस्टल है, कमरे हैं, लाइट है, उनके एडमिशन बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में उनके लोग सारे प्रोफेसर और टीचर हैं। वो किसी भी इंडस्ट्री में जाके नौकरी ले लेते हैं, क्योंकि उनके ताऊ चाचा मामा सारे के सारे इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनके पास में सारी सारी इंडस्ट्रीज हैं। वो किसी भी सेक्टर में चले जाएं, वहां उनके रिश्तेदार हैं, वो सब उनको शेयर करते हैं, बंटवारा करते हैं, उनको आगे बढ़ाने में, कामयाबी देने में काम करते हैं, मदद करते हैं उनकी। उनका जो सबसे ठप बच्चा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजिशन गेन कर लेता है। वो अपनी विचारधारा से और अपने बच्चों को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। मगर इधर तो सारा खाली मामला है, क्योंकि एजुकेशन बहुत बाद में बाबा साहब की कृपा से हमें मिली, तो हमारे जो पूर्वज हैं तीसरी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी, वो कहीं डॉक्टर इंजीनियर या कोई बड़ी बड़ी पोस्टों पे नहीं है, ना ही वो किसी कॉलेज में कहीं प्रोफेसर टीचर या लेक्चरर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पढ़ पढ़ के थोड़े बहुत लोग आगे बढ़े हैं। इंडस्ट्री के नाम पे सिर्फ मजदूरी के अलावा कोई काम है नहीं, गेटकीपर, चौकीदार और मजदूरी। जो खेत हैं वो भी जा चुके हैं, जमीनें छिन चुकी हैं, तो मजदूरी सिर्फ हाथ में रह गई है। विदेशों में हमारा कोई लिंक है नहीं, मगर उनके विदेशों में बड़े लिंक हैं। उनके विदेशों में लोग पहुंचे हुए हैं, वो समय को पहचान लेते हैं, वो इंडिया को छोड़ छाड़ के बहुत पहले ही यहाँ से संसाधन इकट्ठे करके पढ़ लिख के चले गए और विदेशों में सेवा कर रहे हैं। तो वो बच्चों को विदेश बुला लेते हैं, अपने बच्चों को, उनके बच्चे सेटल हो जाते हैं। हमारा अभी विदेश में शुरुआत भी नहीं हो पाई है, तो एंड पहले आ गया है। दो चार कोई गया है, अदरवाइज वो भी गया है तो कार चलाता है, सफाई करता है या वहां सर्विस देता है। कोई अच्छी टेक्नीशियन पोस्ट पे कोई बिरला ही एकाध मिलेगा आपको। इस तरह से वो लोग अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए शेयरिंग करते हैं, बंटवारा करते हैं, और वो बंटवारा और शेयरिंग करके लगातार आगे बढ़ जाते हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद है कि एक सिंधी की दुकान खुलनी थी, तो वहां उसके पास पैसे नहीं थे, तो सारे सिंधी लोग वहां आए और सभी लोगों ने उसको 1,000 रुपए का टीका लगाया। टीका बोलते हैं दिल्ली के अंदर, टीका मतलब उसको दिया 1,000 रुपए, जितनी भी फैमिलीज आई थी सब ने, और उसके पास कई लाख रुपए इकट्ठे हो गए और उसने अपना व्यापार शुरू कर लिया, उस व्यापार से आगे बढ़ गया। कई इंसिडेंट मुझे याद है, जबकि रिश्तेदार उनके रिश्तेदारों को फौरन ही किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में या गवर्नमेंट जॉब में या जहां अपॉर्चुनिटी होती है वहां उनको लगा लेते हैं। तो सारा बटा हुआ शेयरिंग, यानी जो बांट बांट कर उन्हें आगे बढ़ाया है, वो शेयरिंग से और बंटवारे से ही उन्होंने प्राप्त किया है। ये भावना और ये टेक्निक उनके पास है। इधर तो अभी अभाव है, जहां अभाव होता है, जहां एम्प्टीनेस होती है, जहां खालीपन होता है, जहां कुछ होता नहीं है, वहां बर्तन ज्यादा बसते हैं, वहां शोर ज्यादा होता है, वहां लड़ाइयां ज्यादा होती हैं। मेरे फादर कहा करते थे, झगड़ा टोटे का है, टोटा मतलब जो कुछ नहीं है, टोटा पड़ गया, खाली हो गया सब, उसका झगड़ा होता है। जहां टोटा नहीं होता, यानी कमी नहीं होती, खूब बहुलता होती है, सामान ज्यादा होता है, वहां झगड़ा नहीं होता। ये बात सच है। इसको ऐसे समझें कि अगर घर में चार लोग हैं और खाने वाले चार लोग हैं और रोटी आपके पास तीन है और सबको एक एक रोटी की भूख लगी है तो झगड़ा होगा, और रोटी आपके पास पांच है और सबको एक एक खानी है तो एक बचेगी, तो फिर झगड़ा होगा नहीं। यानी टोटा होगा, कमी होगा, तो झगड़ा होगा।
और अगर टोटार कमी नहीं होगा तो झगड़ा नहीं होगा। तो इसको कैसे जीतें, इस जो समस्या है इसको कैसे ओवरकम करें, इसको कैसे विजय प्राप्त करें? इसका सबसे आसान तरीका है कि शेयरिंग और बंटवारा शुरू करें। जो चीज आपके काम की नहीं है उसे दूसरे के काम की है उसको दे दें, जो चीज आपके काम की है किसी दूसरे के पास रखिए उसे मांग लें। किसी को काम पे लगा सकते हैं तो काम पे लगाएं, किसी को शहर बुला सकते हैं तो शहर बुलाएं, किसी को पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाएं, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं तो बताएं, किसी को अगर अपनी एजुकेशन से, अगर आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या किसी फैक्ट्री में लगे हैं, कोई टेक्निक कोई विधा सिखा सकते हैं तो सिखाएं। ये जो नॉलेज है, ये जो इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे तभी सिखाएंगे। अभी तो यूट्यूब इतना बढ़िया जरिया है, फेसबुक इतना बढ़िया जरिया है कि आपकी जो नॉलेज है, जो जानकारी है, आप अपने लोगों को और भी लोग फायदा उठाएं, पूरा भारत फायदा उठाए, पर खास तौर से जिनको क्लास नहीं मिलती, जिनको पैसा नहीं है, जो प्रोफेसर टीचर के पास जा नहीं सकते, उनको तो आप पढ़ा ही सकते हैं, टेक्निकल भी पढ़ा सकते हैं, यानी कि आप किसी को घर बैठे इंजीनियर भी बना सकते हैं, बेशक उसके पास डिग्री ना हो मगर नॉलेज उसके पास आ जाएगी। तो ये काम आप शुरू करें, जो मदद कर सकते हैं, शेयरिंग की आदत डालें, बंटवारे की आदत डालें। अगर जिंदा रहना है तो ये शर्त है जिंदा रहने की, जो लोग शेयर करते हैं, जो लोग बंटवारा करते हैं, उनको कोई मात नहीं दे सकता, उनको कोई नहीं हरा सकता, और जो इकट्ठा करके अपने घर में बैठे रहते हैं, कुछ समय बाद वो मिट्टी हो जाता है, या लोग मर जाते हैं, या वो बर्बाद हो जाता है, या उन्हीं की आंखों के सामने वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। धन्यवाद। द्वितीयं पि बुद्धं मे शरणं गच्छामि।